हस्बे वादा आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं तरत हुसैन साहब से और उनके तवसुत से उस सितारे से भी जो उनकी हर बात हर अदा में झलकता है, उनकी वालदा से। आइए मिलते हैं तलत हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए और हमें मौका दिया कि हम आपको और आपकी वालदा दोनों को जान सकें। मैं आपका शुक्रिया तो नहीं अदा कर सकता, तो बहुत छोटी हूँ मुझसे, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो अच्छा, सबसे पहले तो मेरी जनरेशन तो शायद नहीं उनसे वाकिफ, लेकिन आपकी जो जनरेशन है वो आपकी वालदा की आवाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी और है। और वो रेडियो की आर्टिस्ट रही, अनाउंसर रही रेडियो पे, कुछ बताएंगे हमें? हाँ, अनाउंसर थी, नाम था उनका शायस्ता बेगम। और एक जमाने में रेडियो पाकिस्तान की जो सुबह की जो सुबह की मजलिस होती थी, जो नशरियात होती थी, उनसे साल हा साल तक उनकी आवाज आइडेंटिफाई रही है, बिल्कुल आइडेंटिफाइड रही है। आवाज बहुत अच्छी थी माशाल्लाह उनकी, और वो ब्रॉडकास्टर भी बहुत अच्छी थी, जिम्मेदार बहुत थी। तो खैर बाद में जब मैं बात करूंगा तो आपको पता चलेगा, उनका खूबसूरत आवाज थी बहुत, और मरते दम तक उनकी आवाज वैसी ही रही, मुझे कोई उसमें फर्क नहीं महसूस हुआ कभी। वालदा, और उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी थी वालिद की हमारी, लेकिन वालदा हमारी की उर्दू जो थी बस वो बिल्कुल, हालांकि बुनियादी तौर पर वो मैसूर से थी, पैदाइशी उनकी मैसूर की थी। अच्छा। और परवरिश उनकी ज्यादातर बॉम्बे में हुई थी, लेकिन इसके बावजूद एक एक लफ्ज मोती की तरह से पिरोया हुआ होता था जब बात करते थे। और आज भी लोग जब बात करते हैं तलफ्फुज की या अच्छी आवाज की तो उनका नाम जरूर आता है। बहुत, मतलब मैं, मेरी वालदा थी, मैं क्या तारीफ करूं की इतनी, बहुत बहुत जबरदस्त खातून थी, और बड़ी हमारे साथ तो खैर जो भी थी वो आपके साथ तो वालदा थी ना, तो आपका तो एक अलग ही बड़ा रहता था। मुझे आज तक भी यकीन नहीं आता कि उनका इंतकाल हो चुका, और मैं, आप यकीन कीजिए कि अब तक भी इमोशनल हो जाता हूँ उनके मामले में, जैसे इस वक्त हो रहा हूँ। आप इस चीज़ को माफ़ कर दीजिएगा मेरी, लेकिन ये कि जो कुछ हमने सीखा उसमें आगे बुजुर्ग भी आए हमारे साथ, उन्होंने भी बहुत हमारी मदद की, और बहुत उसके नाम उनके हैं, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वालिद और वालदा ने हमारे साथ जो किया उससे तो मुझे बुरा लगता था, सच्ची बात आपको बताऊँ। बहुत सख्त गिर थी, उनके रोग का ये आलम था कि हम कांपते थे, लिटरली। हाँ, लिटरली कांपते थे। यानी मैं एक वाकया आपको सुनाऊं उनका, मेरा ख्याल है कुछ 4-5 साल की उम्र होगी मेरी। वैसे बाय द वे, मुझे 2 साल की उम्र तक के वाकयात याद है। रियली? हाँ, 2 साल तक। ये याददाश्त पे आपको अपनी वालदा से मिली है? जी, विरसे में। की बहुत स्ट्रॉन्ग याददाश्त। तो दोपहर का वक्त था, खाना बड़ा अच्छा पकाती थी। अच्छा। ऐसा खाना पकाती थी कि सुभान अल्लाह, और तली मछली तो उनके हाथ की जैसी मैंने आज तक खाई ही नहीं गई, वो बाय वर्चू ऑफ बीइंग फ्रॉम साउथ का एक था सिलसिला। तो उन्होंने कोई मछली तली हुई थी, वो रखी हुई थी नेमत खाने में। दोपहर को सोती थी तो हम भी घर होते थे, हम भी सोते थे, जाहिर छोटे थे, साथ सोते। ये सोई हुई थी, मुझे मछली ज्यादा पसंद थी, मैं उठ के चला गया नींद में, कहीं नींद से मेरी आंख खुली तो मेरा दिल चाहा, मैंने जाके नेमत खाने से उठा के मछली खानी शुरू कर दी। इनकी आंख खुल गई, आई, आके मुझे देखा, अरे मछली खा रहे हो? उसके बाद लेके गई, अच्छा चलो रखो इसको, रखा, लेके गई, हाथ धुलवाए साबुन से, अच्छी तरह से मुंह साफ किया, उसके बाद जो मारा है उसके बाद मारा। अच्छा, वो बात मेरी समझ में कभी नहीं आई, जब मैं काफी बड़ा हो गया तो मैंने एक दिन इनसे पूछा, मैंने कहा अम्मी यहाँ आप मुझे ये वाकया, अव्वल तो पहले उनको यही समझ नहीं आई कि मुझे वाकया कैसे याद है, मुंह उनका बिल्कुल सफेद हो गया, कह लेंगे ये क्या, तुझे पता है तू कितना बड़ा था? मैंने कहा जी मैं तो उससे पहले पटियाले में जहाँ पैदा हुआ था वहाँ के ये हालात हैं। तो बिल्कुल वो सख्ते में आ गई और कहने लगी कि किसी के सामने मत कहना, नजर लगती है, तुझे कैसे याद है ये सारी बातें? वो मैंने बताया कि ये ऐसे। तो खैर अब जब अदाकारी की तरफ मैंने सोचा जाने के लिए तो वो तो एक अजीब ही मसला था। इसमें तो बड़ा मशहूर लतीफ़ा मेरे घर में जो हुआ वो था, मेरी नानी मरहुमा का हयात थी। अच्छा। मेरी वालदा के 6 महीने के बाद इंतकाल हुआ, 90 साल की उम्र में माशाल्लाह इंतकाल हुआ मेरी नानी का। तो
मेरी नानी को जब पता चला कि टेलीविजन आ गया तो रेडियो की हद तक तो खैर बात छुपी हुई थी, वो तो अब वो तो अम्मा को तो इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि भाई चलो ये तो खैर ये अनाउंसमेंट ही करती है ना, ऐलान करती है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा ही काम करती है। हाँ। अब वो जब ड्रामे में बोलने लगा, ड्रामे ड्रामे तो बताया नहीं गया उनको कि ड्रामे में बोलता है रेडियो के, उनको पता नहीं था, बड़े अरसे के बाद उन्हें पता चला था, उन्होंने उसको भी बर्दाश्त कर लिया कि चलो ठीक है अब तो बोल बोल दी लिया है तो बोल लेने दो। जब टेलीविजन आया और ड्रामे में उन्होंने मुझको देखा तो पहला रिएक्शन मेरी नानी का ये था कि आय हाय भांड बन गया। अब वो साहब एक मसला था उनको समझाने के बाद, ये भांड नहीं है, अब ये अदाकारी एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। तो बड़ी मुश्किलों से जाके उनके पैर वैर पड़ के उनको समझाया कि नानी ये हाँ ठीक है तू पढ़ लिख रहा है सब ठीक है, लेकिन काम तो भांडों का ही है ना। आप सिगरेट पीते हैं? हाँ पीता हूँ। आपकी वालदा बुरा समझती थी? बहुत बुरा समझती थी। जब आप उनको पता चला कि आप सिगरेट पीते हैं? हम जवान हो चुके थे। वैसे यूं एक बात वैसे आपको बता दूं मैं बड़ी, हाँ, कमाल की, जो आप शायद सुन के ताज्जुब करेंगी कि आखिरी मर्तबा उन्होंने मुझे जब जूतियों से मारा है उस वक्त मेरी उम्र 28 या 29 साल की। मुझे कुछ चक्कर सा नहीं, बिल्कुल मैं 28 या 29 साल का था, मुझे मार रहे थे तो मैं हंस पड़ा, तो उनकी कुछ समझ में नहीं आया, देख के कहेंगे तो चोट नहीं लग रही, मैंने कहा तो इसका मतलब है तू जवान हो गया है, तब मारना छोड़ा है मुझे। उसके बाद फिर वो नाराजगी का हो गया था काम शुरू। हाँ। उससे पहले तो जूते पड़ते थे, जरा सी बात हुई अद्धे जूते, अच्छा मैं मां खाता था बैठ, अच्छा चलिए मार लीजिए, नहीं तो वो इंतकाल से नहीं नहीं कह के बिल्कुल कहती हैं कि ये मेरा बेटा वाहिद बेटा है जिसने मेरे सामने कोई जबान कभी नहीं चलाई, और कहती नहीं। अच्छा आपने कभी मारा अपने बच्चों को? मैंने जिंदगी में 2 मरतबा तजीन को मारा है थप्पड़, 1 आध मरतबा रोहैना को, और मैं शायद अब जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं करूंगा उसके लिए, आज तक अफसोस करता हूँ। वालिद ने मेरे नहीं मारा कभी, कभी नहीं मारा, नहीं सिर्फ 1 दफा थप्पड़ मारा था और वो इनके कहने पे मारा था, तो जब मारा तो बचाने आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम आप ही ने तो कहा था कि तंबीह करो, तो कहने तंबीह का मतलब थप्पड़ मारना थोड़ी होता है, होने करके आप जो मारती हैं, कहेंगे वो मैं हूं, मैं जो चाहे जो करूं आप हाथ नहीं लगाएंगे मेरी औलाद को। माय गॉड, वो एक अजीब एक था उनका, एक शख्सियत थी उसमें, मगर ये कितना जबरदस्त किरदार, आप मुझे तो लगा कि नॉवल का किरदार जैसा। जब सिगरेट मैं उनको पता चला तो हुआ कि शक हो गया उनको, अब उनके घर में तो किसी ने कभी पी नहीं थी उनके लिए तो बहुत। मैं मुझे याद है कि बताती थी मुझे कि उनके फूफीजान भाई थे, उन्होंने कहीं सिगरेट पी ली थी तो उनकी तो शक्ल नहीं देखी थी उनकी माँ ने मरते दम तक। अब वो इस रिवायत, उस रिवायत से वो आई हुई और उन्होंने मेरे सिगरेट को कबूल किया, कबूल कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, हम चेंज हो गए, जमाना बदल गया है भाई, हमारा वक्त नहीं है। तो मतलब ये उनके अंदर था, लेकिन ये कि जो उनकी इकदार थी और जो रिवायत थी और जो तहजीबी उनका वर्षा था उसको उन्होंने कभी मजा ले इधर से उधर कर। आखिर में मैं हमेशा अपने सब मेहमानों से एक सवाल पूछती हूँ, हमेशा हमारे दिल में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रह जाता है जो हम चाहते हैं कि हम अपने माँ से कह सकें, कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि आप अम्मी से कह सकें, और इस प्रोग्राम के तवसुत से छोड़ी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत लड़की तुम ठीक है ठीक है।